बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आप सभी के लिए एक पोस्ट होली क्लीनअप वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपने स्किन से कलर, जो भी आपको स्टेन हो गया है या फिर जो भी आपकी स्किन पे कलर रह गया है, उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो बहुत ही ईजी सिंपल वीडियो है, सो आप उसे एंड तक देखिएगा। एंड आज होली है, सो हैप्पी होली टू एवरी वन। मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं होली एज सच खेलती नहीं हूँ। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फेस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं आफ्टर होली, क्योंकि होली में बहुत हार्श केमिकल और कलर्स हमारे स्किन पे लगते हैं। धूप में होली खेलते हैं, बहुत डैमेज होता है स्किन। सो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने स्किन को ट्रीट कर सकते हैं, पैम्पर कर सकते हैं। फर्स्टली आपको क्या करना है, अपने फेस को बहुत अच्छे से कोई भी फेस वॉश से वॉश कर लेना है। जो भी फेस वॉश आप डेली यूज करते हैं उससे आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करिएगा ये क्लीनअप का प्रोसेस। सो फर्स्टली क्लीनअप का स्टेप है क्लिनजिंग का। सो फर्स्टली मैं यहाँ पे रॉ मिल्क यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के लिए। रॉ मिल्क बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को ग्रीस करने के लिए, हमारे जो भी स्पॉट्स रहते हैं ना उनको रिड्यूस करता है, एंटी एजिंग होता है, उसके साथ में प्री मेचर एजिंग को भी प्रिवेंट करता है, जो भी सन टैन वगैरह होता है ना उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। सो ये अभी एकदम परफेक्ट क्लिनजिंग एजेंट है हमारे स्किन के लिए। सो यहाँ पे मैं फर्स्टली अपने स्किन को रॉ मिल्क से अच्छे से क्लीन करूंगी, अच्छे से मसाज करूंगी ताकि जो भी डर्ट इम्प्योरिटीज हैं वो अच्छे से बाहर आ जाए। उसके बाद इसे मैं वॉश कर लूंगी प्लेन वाटर से, नॉर्मल वाटर से। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमको लगाना है एक मास्क। यहाँ पे हम स्क्रब इसलिए नहीं करेंगे गाइस क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन बहुत इरिटेट हो गई है। अब स्क्रब करने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, माइक्रो टीयर्स हो सकते हैं हमारे स्किन में और फिर पिगमेंटेशन ऑल। सो गाइस, यहाँ पे हम एक्सफोलिएट नहीं करेंगे अपने स्किन को, अच्छे से हम मास्क लगा के पैम्पर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मास्क की रेसिपी के साथ में। मास्क बनाने के लिए आपको लेना है एक स्पून ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, एक स्पून डालना है इसमें आपको टमेटो जूस। सो यहाँ पे क्या करना है, आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस आपका मास्क रेडी हो गया है, अब इसे आराम से लगा सकते हैं गाइस। सो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँ। बेसन बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन को लाइटन अप ब्राइटन अप करने के लिए बहुत काम आता है, हमारे स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम आता है और नेचुरली एक्सफोलिएट भी करता है हमारे स्किन को। सो बेसन बहुत ही अच्छा होता है। सेकेंड चीज़ जो हमने इसमें डाली है वो है टमेटो। टमेटो बहुत ही अच्छा होता है, नेचुरली हमारे स्किन को यू नो ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है हमारे स्किन को और हमारे स्किन को बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। सो या ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे हैं, अभी जो भी हमारे स्किन को नीड है उसके हिसाब से बहुत अच्छे से वर्क करेंगे हमारे स्किन के लिए। सो ये मास्क आप जरूर ट्राई कर सकते हैं होली के बाद अपने स्किन के क्लीनअप करने के लिए। इसके बाद इस मास्क को मैं रख लूंगी एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, उसके बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी गाइज। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसने ग्लो प्रोवाइड कर दिया है मेरे फेस को, बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड कर देता है ये। तो मैं इसे रेगुलर यूज करती रहती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सन टैन हो गया है या फिर मेरी स्किन बहुत ही अजीब सी टेक्स्चर फील हो रही है, सो मैं इसे यूज करती रहती हूँ गाइस। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा यू नो मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करने का अपनी स्किन को। इतना सारा तो यू नो कलर्स एंड केमिकल्स से हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा डैमेज होती है और ड्राई हो जाती है, तो हमारा स्टेप आता है मॉइस्चराइजेशन का। मॉइस्चराइजेशन के लिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है एलोवेरा। एलोवेरा हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ में हमारी स्किन सेल्स को रिज्यूनेट करने में बहुत हेल्प करता है। सो यहाँ पे मैं एलोवेरा का आइस क्यूब्स ले रही हूँ। आइस क्यूब के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो बहुत जल्दी आने वाला होगा, मे बी इस वीडियो के बाद जाए। बहुत अच्छे से इसे मसाज करना है आपको अपने अपने स्किन के ऊपर में, उसके बाद फिर आप इसे 10 मिनट्स रख सकते हैं और उसके बाद इसे वॉश कर सकते हैं। क्योंकि स्किन बहुत ही इरिटेटेड हो चुकी है अभी, तो ये आइस क्यूब जो एलोवेरा आइस क्यूब है ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से काम डाउन करने में हेल्प करेगा। इसके बाद आप अपनी स्किन को वॉश कर सकते हैं गाइस नॉर्मल प्लेन वाटर से। इसके बाद आप लगा सकते हैं मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर यहाँ पे मैं बायोटी का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। आप सभी को पता है कि मेरा ये फेवरेट मॉइस्चराइजर है क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है ड्राई स्किन वालों के लिए। मेरे से बहुत लोग पूछते रहते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए कोई मॉइस्चराइजर बताइए, सो दिस मॉइस्चराइजर इज बेस्ट फॉर ड्राई स्किन टाइप्स। और इसे नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, बट ड्राई स्किन के लिए बेस्ट वर्क करता है। सो यहाँ पे मैं बायोटी का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। ये आपका क्लीनअप हो गया है, डन गाइस। इसके बाद आती है हाथ पैरों की स्किन। हाथ पैरों की स्किन भी तो ऑब्वियसली कलर से ख़राब होने वाली है। सो यहाँ पे आता है एक बहुत अच्छा हैक। आपको क्या करना है, जो भी आपके हाथ पैरों में कलर लगा हुआ है ना उसमें कुछ नहीं करना है, बस कोकोनट ऑयल डालना है। कोकोनट ऑयल थोड़ा सा अपने हाथों पर लेना है, अच्छे से इस पर मसाज करना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, एक वेट
कपड़ा लेना है, कोई भी गीला कपड़ा लेना है, इसे अच्छे से आपको वाइप कर देना है, बस आपका हो गया काम, पूरा कलर निकल जाएगा और बहुत अच्छे से आपको सॉफ्ट सपल स्किन मिल जाएगी। इसके बाद आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं अपने स्किन को कोई भी शार्जल या फिर सोप से, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया है, आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाएगी गाइस। सो या गाइस, यही था आज का ये वीडियो, क्लीन अप वीडियो। बहुत ही छोटा सा मैंने वीडियो बनाया ताकि आप सभी को एक हेल्प हो पाए। प्री होली वीडियोज तो बहुत सारे सभी बनाते हैं, बट पोस्ट होली वीडियो बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी कलर्स रह जाते हैं हमारी स्किन पे वही तो रिमूव करना एक टास्क होता है। आई होप आप सभी को ये आइडियाज पसंद आए होंगे, ये क्लीन अप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो डू मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। एंड मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल, हैप्पी होली टू एवरीवन।